जब भी हम किसी बड़े आदमी को देखते हैं, जब भी हम किसी सफल आदमी को देखते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि हमें भी इसी की तरह बनना है, इसी की तरह ग्लोरी अचीव करनी है, इसी की तरह अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, और हमें भी इतना ही ऊंचा काम करना है जिससे हमारा भी नाम हो, जिससे हमें भी लोग जाने, सोसाइटी में हमें रिकॉग्निशन मिले, हमारे भी काम की वजह से हमें जाना जाए। इन सब बातों में एक सबसे कॉमन बात यह है कि अपने कैरियर को कैसे चुने, किस तरह से हम भी वह ग्लोरी पा पाएं, जिस इंसान को हम एडमायर करते हैं, जिस इंसान को हम अपना आदर्श मानते हैं, उसी की तरह हम भी काम कर पाएं और उसी तरह हम भी अपने कैरियर में एक नई ऊंचाई को छुएं, एक नई इबारत को लिखें। तो स्वागत है दोस्तों आपका एथिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपके सवाल का अंत करने वाला हूँ कि हाउ टू चूज योर कैरियर, अपने कैरियर को कैसे चुने। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रिपल सी का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, आप मेरी बातों को बहुत ध्यान समझिएगा। जो मेरा पहला सी है वह है कलेक्ट, दूसरा है कोलैबोरेट और तीसरा है कंक्लूड। अब मैं आपको एक एक करके इन तीनों सी का मतलब समझाऊंगा और ये आपको समझ में आएगा कि आपकी जो चौथी सी कैरियर आएगी वो आपके इन तीन सी में छुपी हुई है, कैसे आपको इसका रास्ता निकालना है ये आपको पता लग जाएगा। तो पहला सी है कलेक्ट। सबसे पहले आपको जो करना है, आपने जो अपने लिए लक्ष्य बनाया है, आपने जो सोचा है, उसको बनाने से पहले उसके बारे में जान ले कि क्या आपके पास वो एबिलिटी है, क्या आपके पास वो क्षमता है कि आप उस कार्य को कर पाएंगे। इसके लिए आपको, आप जिस भी फील्ड में अपना मन बनाते हो, जैसे आपको क्रिकेटर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको एक अच्छा राइटर बनना है, आपको एक अच्छा पब्लिक ओरेटर बनना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, सबसे पहले उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि उस फील्ड में जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें अपने पास होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल आपको चाहिए, क्या आपको उस क्षेत्र में करना पड़ेगा। अगर आप इस क्षेत्र में जाते हो तो आपको कौन से सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, जो आपको बेस्ट देना पड़ेगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसका क्या स्कोप है। अगर आप इस कैरियर ऑप्शन में जाते हो तो ऐसा ना हो कि आप बीच में जाकर के फंस जाएं और आप वहां से वापस ना आ पाए। इसलिए आपको सब कुछ कलेक्ट करना है, जो भी आपने प्रोफेशन चुना है, जो भी आप अपना कैरियर ऑप्शन चुन रहे हो, सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो। होता क्या क्या है, कभी कभी जैसे हम कोई मूवी देख करके आए, मान लीजिए कि आपने कोई क्रिकेट पे मूवी देखी, आप उसको देखकर इन्फ्लुएंस हो गए और आपको लगा कि आप क्रिकेटर बनोगे। आपने कोई पेट्रियोटिक मूवी देखी और आपको लगा कि आप डिफेंस में जाओगे, सेना में ज्वाइन करोगे। अगर आपने कोई अच्छी मूवी देखी पॉलिटिकल इश्यूज पर, तो आपको लगा कि मुझे राजनेता बनना चाहिए, तो आप इस तरह सोच लेते हो, तो जो आप इंड्यूस होते हो कुछ देर के लिए, वही आपके लिए घातक सिद्ध हो जाता है अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हो। इसीलिए सबसे पहले जब आप कुछ डिसाइड कर रहे हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए, ज्यादा से ज्यादा उस कैरियर के बारे में जान लीजिए कि क्या मेरा उसमें स्कोप क्या है, अगर मैं उसमें जाता हूँ तो मैं कैसा कर पाऊंगा, क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, क्या मेरे पास वो पोटेंशियल है, क्या मेरे पास वो स्किल्स हैं। इन सवालों का जवाब आप खुद से ढूंढिए, खुद से आपको पता लगेगा जब आप उसके बारे में जानोगे। दूसरी चीज, कोलैबोरेट करिए। कोलैबोरेट का मतलब, आप देखते हो कई सारी कंपनीज कोलैबोरेट होती हैं, मर्जर होता है, इसलिए होता है कि जो वीक कंपनी होती है उसको स्ट्रॉन्गर कंपनी में मर्ज करने के बाद ये होता है कि उस वीक कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। उसी तरह से आप जब अपना कैरियर डिसाइड करते हो तो आप भी कोलैबोरेट करो। कोलैबोरेट का मतलब, आप उन लोगों से जानकारी लो, उन लोगों का साथ रहो, उन लोगों से कोलैबोरेशन करो जो उस फील्ड में है। जैसे अगर आपको डिफेंस में जाना है तो आपके आसपास में जो डिफेंस में है उससे पूछिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्या आपके पास वो मेंटल स्टिफनेस है कि आप वर्स एनवायरमेंट में भी, आप कड़े से कड़े वातावरण में भी सर्वाइव कर पाओगे, क्या आपके पास वो सर्वाइविंग स्किल्स है। अगर आपको एक सिंगर बनना है तो क्या आपकी वॉइस में वो मेलोडियस पना है, या मेलोडियस आपकी वॉइस है, आपको ऐसा लगता है कि आप सुरीला गा पाते हो या नहीं, तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी। अगर आपको क्रिकेट में जाना है तो क्या आपके पास वो रिफ्लेक्सेस हैं, क्या आपके पास वो टेक्निक्स हैं जिनसे आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो या नहीं, क्या आपको सीखना पड़ेगा, ये सब आपको जानना होगा। तीसरी चीज है कंक्लूड। इन दोनों सी करने के बाद आपको अब कंक्लूड करना है। कंक्लूड का मतलब, अब आपने सभी चीजें देख ली, आपने कोलैबोरेट भी कर लिया, आपने जानकारी भी ले ली, अब आपको खुद से डिसीजन लेना है कि क्या मैं इस चीज को कर पाऊंगा। तभी आपको क्लियरिटी आएगी, और कंक्लूजन आप कब निकालोगे, जब आपको क्लियरिटी पता चलेगी। और अगर आप दोनों सी को फॉलो करते हो, कलेक्ट और कोलैबोरेट को, तो आप तुरंत क्लियर हो जाओगे और इसके बाद आप कंक्लूड करने के बाद उस कैरियर ऑप्शन को चूज कर लोगे। दो सवाल जो आपके मन में बहुत आते होंगे वो यह है कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हो, आप अपने लाइफ से क्या चाहते हो। बहुत सारे ऐसे लोग देखो आप, जो बड़े लोग हैं, स्टीव जॉब्स को देख लो, बिल गेट्स को देख लो, जो भी बड़े लोग पहुंचे हैं, जो भी आप बड़े लोगों को देखते हैं, उनको पता था
बाद में उनको अनुभव होता चला गया, जब वो काम करते रहे उनको अनुभव बाद में हुआ कि वो अपने लाइफ से क्या चाहते हैं। उसी तरह से आपको भी पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो, क्या आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ आप कब पता कर पाओगे, जब आप काम करोगे और जब आप एक्सपीरियंस लोगे। बिना एक्सपीरियंस के अगर आप सोचोगे कि मुझे यह काम करना है तो आप नहीं कर सकते, आपको भी उस फील्ड में उतरना पड़ेगा, अनुभव लेना होगा और उसी फील्ड में आप धीमे धीमे एक्सेलेंसी की तरफ बढ़ोगे। जैसे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप सुनते हो, नरेंद्र मोदी जी का नाम आप सुनते हो, ये इतने अच्छे पॉलिटिशियन बने, एपीजे अब्दुल कलाम इतने अच्छे साइंटिस्ट रहे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। आप किसी को भी देखोगे जिस भी फील्ड में वो है, पहले उस फील्ड में वो उतरा, उसके बाद वो अच्छा काम करता चला गया, उसको पता चल गया कि ये मेरा लाइफ का अल्टीमेट गोल यही है कि मुझे इस फील्ड में एक्सीलेंसी अचीव करनी है, ये आपको पता लग जाएगा। और एक कैरियर ऑप्शन चुनने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा एक कैरियर ऑप्शन चूज करने के लिए कि वेयर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ, आप अपने आपको कहाँ देखना चाहते हो। अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि मुझे कोई कंपनी, आपको किसी कंपनी का आपको चेयरमैन बनना है तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी लेनी होगी। अगर आपको किसी अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको देखना होगा कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहाँ से आप ज्वाइन करते हो। अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको IIT ज्वाइन करनी है। अगर आपको एक अच्छा मैनेजमेंट पर्सन बनना है, अगर आपको किसी तरह से एक मैनेजर बनना है, मैनेजमेंट स्किल सीखनी है, तो आपको IIMs ज्वाइन करना है। इसी तरह से आपको चीज़ें पता करनी होगी, आपको पता लगाना पड़ेगा। और बात आती है कि आपकी पर्सनालिटी किस चीज़ को मैच करती है, पर्सनालिटी प्रोफेशन पे आप किस प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हो, आपकी पर्सनालिटी किस प्रोफेशन पे। अगर आप ज़्यादा बोलते हो, अगर आप अच्छा बोलते हो तो आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हो, पब्लिक ओरेटर बन सकते हो। अगर आपकी स्किल्स राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आप एक राइटर बन सकते हो। इसी तरह से आपकी पर्सनालिटी किस प्रोफेशन को मैच करती है, उस तरीके से आप जाएंगे तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। दूसरी बात होती है कि आप लोग इमिटेट करते हैं, तो डोंट इमिटेट अदर्स, किसी और को फॉलो ना करें। बहुत सारे बच्चे इसलिए कैरियर चुनते हैं कि मेरे भैया इस पोस्ट पर हैं तो मुझे भी इसी क्षेत्र में जाना है। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको देखा देखी बहुत लोग डॉक्टर बनने का सोचते हैं, इंजीनियर बनने का सोचते हैं। नहीं, आपको देखना है कि क्या मैं कर सकता हूं। अगर आप सपोज करो, अगर आपके घर में कोई भी सब मैथमेटिक्स से हैं, आप बायोलॉजी से जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको पता है कि या मेरा इंटरेस्ट एरिया है तो मुझे ये किस फील्ड में जाना है। अगर आपके घर में सब बायो से हैं, अगर आपके घर में सब डॉक्टर हैं तो आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको पता है कि मुझे इंजीनियर बनना है क्योंकि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, मेरे पास मैं क्रिएटिव हूँ, मैं अच्छा सोच पाता हूँ, मैं चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाता हूँ। तब आपको पता लगेगा कि आपके पास ये स्किल्स हैं और डेवलप करना होगा इनकी स्किल्स को, तभी आप इन प्रोफेशन में अच्छा कर पाओगे, आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। अगली बात आती है अडाप्टिबिलिटी, आप किस तरह से चीज़ों को अडाप्ट करते हो। अगर आपको एक टफ कंडीशन में रख दिया जाए, अगर आप डिफेंस में हो, अगर आप सेना ज्वाइन करते हो, तो आपको टफ कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये चेक करना होगा कि आप अडाप्ट कर पा रहे हो या नहीं, आप चीज़ों से अडाप्ट कर पा रहे हो या नहीं, आप सराउंडिंग से तालमेल बैठा पा रहे हो नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। आप एडवाइस लें, अपने पेरेंट्स के एडवाइस लें, अपने एल्डर्स के एडवाइस लें, लेकिन जो मन आपका करे, जिसमें आपको लगे कि आप इसमें एक्सेल कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, उसी चीज़ को आप करने का प्रयास करें। किसी को देखा देखी, किसी का इमिटेट करके आप करियर को चूज ना करें, क्योंकि लाइफ आपकी है, सोचना आपको है, करना भी आपको है। इंटरेस्ट एरिया आपका आप डिसाइडेड पहले नहीं कर सकते, प्री डिसाइडेड आप उस काम को करें। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा तो आप और अच्छा करते चले जाओगे, नहीं होगा तो आप खुद उस काम को नहीं करना चाहोगे, वहां से आप हटना चाहोगे। इसीलिए और स्टिक टू वन गोल, आपका सबसे पहली बात आपको गोल डिसाइड करना है, एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरा बनाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका गोल बदलता रहता है, क्लास 6 में होते हैं तो क्रिकेटर बनने का सोचते हैं, क्लास 9th में जाते हैं तो वो पायलट बनने का सोचते हैं, क्लास 12th में जाते हैं तो इंजीनियर बनने का सोचते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हैं। तो ऐसा आपको बार बार आपके साथ चीज़ें चेंज होंगी, इसीलिए पहले आप जो गोल सेट करें उसको अचीव करें, इसके बाद आप नेक्स्ट गोल को सेट करें। इसी तरह से आप गोल्स को अचीव करते चले जाएंगे, आपका सक्सेस रेट बढ़ता चला जाएगा और अपने कैरियर में आप एक्सेलेंसी को अचीव करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया, मैंने जो आपको जो कॉन्सेप्ट दिया CCC का, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे थे। आप चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने व्यूज को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।